पर आज मैं आपको ये बोलूंगा कि बहुत कस्टमर के कंफ्यूजन है जी, बहुत जगह से कॉल भी आ रहे हैं कि क्या बिठाना चाहिए। मैं बोलूंगा कि जमाई का भी बेस्ट है, दोनों भी चीजें बेस्ट है, क्योंकि ब्लूपंग ने ही बनाया है। अगर हाँ कुछ अगर प्लेयर लिमिटेड एडिशन रहते बराबर तो उनका प्राइस भी थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, वो प्लेयर सीधा 59,000 या 54 ऐसा कुछ रहेगा। अगर आपकी एमआरपी भी वही है और प्रोडक्ट भी अंदर वही है तो सब चीजें सेम है, वो तो फिर एक सीधी सी बात होगी वो कस्टमर को गुमराह कर रहे हैं। आज हुंडई का मैं दिखाऊंगा आपको। ये दरवाजा क्यों ले आए? ये दरवाजा इसके लिए लाया है, आप एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी बताइए। बहुत सारा पावर विंडो का ये जो मतलब ये सॉरी अपना मिरर का वगैरह ये जो कटिंग अच्छा, करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर हुंडई का पैनल आता है। अच्छा, अच्छा इसमें अच्छा, राइट और लेफ्ट दोनों लिखा रहता है। ओके अच्छा, ज़ूम ये चीज हो गया। आप डोर ट्रिम चेंज करेंगे तो बोस का लोगो भी आता है, ये टॉप एंड का ही ट्रिम लगाना। ओके हाँ ठीक है, ये बॉस का आपका ट्रिम आ गया। फिर तो सॉफ्ट टच भी होगी इसके अंदर, ये सॉफ्ट टच भी इसके अंदर। मैं पार्के क्लिप डिक्की रखया टूल ने आ तो देख के चके। ओए होए आज तो लगा दे टॉप मॉडल वाले, टॉप वाले एसएक्स के सीट कवर आप देख सकते हैं, परफो आइस ग्रे जी विद डार्क ग्रे। क्या बात है भाई, ठीक है। और ये आपका ऑरेंज का पाइपिंग रहने वाला है, ठीक है। ये जो एसएक्स में जो आते हैं वही सीट पर आप फिटिंग और फिनिशिंग एक बार देखें भाई, एक नंबर रहने वाली है। कहीं से भी वट या रिंकल कुछ भी सिलवाट कुछ नहीं रहने कुछ वाला नहीं। भाई मतलब एक ही है, वो थोड़ा अलग अलग बताया मैंने, ठीक है। बीच में डॉटेड और भाई फ्रंट में बात करेंगे तो बॉक्स जैसे टॉप मॉडल में आता है वैसे ही रहने वाला। ये मुरल का हुंडई का डायरेक्ट फिटिंग वाला, ठीक है। ये कंपोनेंट आता है, ओके सबसे बेस्ट है। इसकी वैसे फिटमेंट हो रही है क्रेटा में, क्रेटा में हो रही है, उनका कंपोनेंट आ गया। और ये देखिए ये कंपनी का आपका सॉकेट है, ओके बराबर, ये आपका निकल गया, ये आपका कंपनी का सॉकेट, ओके। ये प्लग एंड प्ले, लो भी टक करके आवाज आ गई, आवाज भी आ गई, ठीक है भाई। ये पेपर कोन में रहने वाला है एज इट इज, क्या होता है ये फ्रेम व्रेम सब आता है क्या? सब 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 इनबिल्ट ही आता है, ये प्रॉपरली हुंडई के लिए ही आता है। अच्छा ठीक है, एबक कोएक्सल की बात कर ले तो वो भी सेम टू सेम आने वाला है पीछे भी। अच्छा ये भी भाई, हाँ ये कोएक्सल आ गया, कोएक्सल में खाली एक रहेगा आपका ट्विटर इनबिल्ट रहेगा, ठीक है ओके। और ये भी आपको मैं दिखाऊंगा, ये भी पूरा प्रॉपर, ये आपका वायरिंग का लूम हो गया, ओके। ये स्पीकर के अंदर रन कस्टमर का डिमांड था कि हैंडल क्रोम चाहिए था। अच्छा हाँ ठीक है, हुंडई का आपको जेन्युइन चाहिए सीधा हैंडल, वो भी अवेलेबल है, ओके हाँ। और हैंडल क्रोम भी आपको फिटिंग करना है तो ये भी है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था वो रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है, हाँ रिप्लेसमेंट वाला, ये ऊपर से चिपकाने वाला पार्ट। पहली मल्ली बैठा था आगे खड्डे आप लेके कई बारी कई बारी। ये कार आई है वीडियो देख के कर्नाटक से, क्या बात है, कर्नाटक से कार आई है और स्पेशली जमैका का 12.33 जी, जमैका 12.33 ये क्रेटा 2024 स्पेसिफिक मतलब 24 के लिए बना है, ओके। प्लस ये 4GB 64GB है, ओके। और ये 4 वोल्ट प्री आउटपुट है, मतलब ये आपका हाई वोल्ट प्री एम इसके अंदर इनबिल्ट है, इनबिल्ट। तू एंट्री कराई सच्ची तलियां ते रख के जाना फिर दे। अलॉय व्हील अपना 48,000 में, जो भी कस्टमर बेस्ट टू टॉप बनवाएंगे 48,000 में आपके अलॉय व्हील रहेंगे, ये आपका जेके का टायर रहेगा विद लोगो के साथ विच बन के बनाना फिर दे। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आप देख रहे हो प्रभु सिंह की एक और नई वीडियो। सो आज हम आए थे वैभव कार एसेसरी जो कि अपना पुणे महाराष्ट्र में है हमारे साथ भाई, भाई अब नाम बताइए अपना। वैभव मगर, वैभव भाई हमारे साथ है। आप 2 मिनट आओ पहले, यहाँ आओ, अरे यहाँ तो आओ पहले, यही पे तो है, बताओ यही आओ। अच्छा कैमरा घुमाएगा, लो जी घुमा दिया, बताओ पब्लिक के सामने मेरे साथ अभी बोलो क्या बोलना। आमी तुमची क्रेटा, आमी तुमची क्रेटा बनाओ तो ले भारी या तुम्ही क्या बात है भाई, ये क्या मराठी सिखा दिया आपको मैंने। अरे यहाँ पे रोज आएंगे सब मराठी सीख जाएंगे भाई हम तो। भाई बात कर लेते हैं, गाड़ी कहाँ से आ गई है इतनी दूर से? ये कार आई है वीडियो देख के कर्नाटक से, क्या बात है, कर्नाटक से कार आई है और स्पेशली जमैका का 12.33 जी
जमैका 12.33, ये क्रेटा 2024 स्पेसिफिक, मतलब 24 के लिए बना है। ओके प्लस ये 4GB 64GB है। ओके और ये 4 वोल्ट प्री आउटपुट, मतलब ये आपका हाई वोल्ट प्री एम्प इसके अंदर इनबिल्ट है। इनबिल्ट है, मतलब एम्प लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके स्पीकर ये रहेंगे, 4 स्पीकर रहेगा, अगर आपको एम्पलीफायर ऊपर लगाना है तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके उसके लिए तो रहेगा ये खाली, जो आपके 4 डोर के स्पीकर है उनको ये आउटपुट अच्छा देगा। ठीक है, अपना था जमैका 990, जमैका 990 अभी मार्केट में चल रहा है। इसके नाम का वो दूसरा क्या नाम था उसका, मोंटेबे 990। वैसे भाई देखा जाए तो भाई डब्बा सेम है, सब कुछ सेम है। अगर क्रेटा... आप देखा जाए तो इनकी प्राइस भी वही है। अच्छा हाँ, 49,000 लो जी, जूम करके देख लो, डब्बा सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक हल्का सा फर्क है जमैका की जगह वो आ गया। बस हाँ, मोंटेबे आ गया। पर आज मैं आपको ये बोलूंगा कि बहुत कस्टमर के कंफ्यूजन है जी, बहुत जगह से कॉल भी आ रहे हैं कि क्या बिठाना चाहिए। मैं बोलूंगा कि जमैका भी बेस्ट है, दोनों भी चीजें बेस्ट है, क्योंकि ब्लूपंग ने ही बनाया है। अगर हाँ कुछ अगर प्लेयर लिमिटेड एडिशन रहते बराबर, तो उनका प्राइस भी थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, वो प्लेयर सीधा 59,000 या 54 ऐसा कुछ रहेगा। अगर आपकी MRP भी वही है और प्रोडक्ट भी अंदर वही है तो सब चीजें सेम है। वो तो फिर एक सीधी सी बात होगी, वो कस्टमर को गुमराह कर रहे हैं, वो तो है आप समझ लीजिए भाई, मैं समझ और गया। इसके अंदर एक दूसरा आता है कि ये 232 जी बिल्कुल 232 पर एक है, इनके अंदर ये जो 4 वोल्ट प्री आउट लिखा है ये चीज नहीं है। अच्छा, अगर किसी को बेसिक सिस्टम फिटिंग करना है, हमको 12.33 का स्क्रीन फिट करना है और 4 स्पीकर डालने हैं, वही ये भी प्लेयर अच्छा है भाई, डब्बे के अंदर यही है स्क्रीन। भाई मेरी गाड़ी में भी जमैका ही लगा हुआ है, पर वो पता नहीं कौन सा आ गया एंड्रॉइड, वो कह रहे वो सही है भाई, यही सही है। जमैका 990 है, जमैका 990 अच्छा है। तो भाई क्रेटा 2024 ये भी उसमें लिख रहा है और इसमें भी यही लिख रहा है, उसमें भी वही लिखा है, MRP भी सेम है, सब चीजें। अगर भाई कुछ भी थोड़ा बहुत फर्क होता तो MRP चेंज होती थी, 1000 का ही फर्क होता, 1000 नहीं 5000 का भी फर्क रहता था उसके अंदर भाई, हर ब्लू पंग में है फर्क। हाँ, आप मान के चलिए अपना की लार्गो स्टार्टिंग से भी आता है जी, फिर उसके बाद बहुत सारे प्लेयर बदले, तो हर किसी का प्राइस सेम नहीं है, हर किसी के प्लेयर में अलग अलग प्राइस है। क्या बात, ये आप ध्यान में रख दीजिए। ठीक है भाई, ठीक है। तो यार मैं देख रहा हूँ पीछे भी क्रेटा खड़ी हुई है, लाइन वाइज चल रही है क्या क्रेटा? लाइन में क्रेटा बना रहा है, क्या बात है भाई, पीछे भी क्रेटा है व्हाइट कलर की। तो भाई अपने पास लाइनअप पूरा आ रहा है क्रेटा के अंदर, पूरा 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 आ रहा ना, मजा आ रहा है। पहले तो एक ही करी थी, एक से दो, दो फिर तीन है, लगातार बहुत सारे बनाए पाजी। क्या बात है भाई, ठीक है। तो भाई फ्रंट से बात कर लेते, गाड़ी इतनी दूर से आई है कर्नाटक से, फिर भी गाड़ी के अंदर आपने DRL नहीं लगाई। कस्टमर का डिमांड था कि अलॉय व्हील, म्यूजिक सिस्टम और सीट कवर वगैरह ये सब चीजें करने के लिए बेसिक नीड है। अगर बाद में वो बोले कि नेक्स्ट अगर हमारा रहता है तो उनके अंदर फिर बाकी की चीजें लगवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई ठीक है, फ्रंट से बात कर लेते हैं। गाड़ी में फ्रंट में क्या क्या इंस्टॉल किया है? फ्रंट में तो आपका 360 का फिटिंग आ गया कैमरा का। कहाँ पे? यहाँ पे नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने नीचे होता है, यहाँ पे छुप के है फिटिंग आ गया प्रॉपर। ओके बाद में बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल से, साइड से एक बार रुक जाओ, फ्रंट में और गाड़ी में क्या क्या हम चेंज करा सकते हैं? फ्रंट में आपका DRL आ गया। ओके ये आपको ग्रिल चेंज करना है तो ग्रिल भी चेंज हो जाएगा। ओके हुंडई का जो SX में आता है वो भी ग्रिल आपके लिए, नहीं तो फिर हम जो पियानो ब्लैक करते हैं जी बिल्कुल, हाँ वो भी हो जाएगा। अच्छा हाँ, सेकंड ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, हाँ जी बिल्कुल, ये नीचे का अपन भी ग्लॉसी ब्लैक में कर सकते हैं। ओके हाँ, गाड़ी उसके लिए ब्लैक होनी चाहिए ऐसी। हाँ, ब्लैक में अगर चाहिए व्हाइट में थोड़ा जीप सा नहीं लगेगा है ना? नहीं अच्छा लगेगा उसमें भी अच्छा लगेगा, कराया नहीं ना कभी। ठीक है भाई, ठीक है। और भाई हेडलाइट में तो आप देख सकते हो, हेडलाइट में भी आप LED वगैरह अपग्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बॉश कंपनी की अपनी LED आती है, फेमस वही चल रही है भाई, बॉश है, प्रिकॉल है। वैसे तो आपका जो पेंट का सारा काम है सारा अपना बूथ अंदर ही है ना? बूथ अपना इन हाउस ही है प्रॉपर। ठीक है, मतलब पेंट में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जितना भी आप सामान गाड़ी के अंदर लगाते हो पूरा जेन्युइन होता है? कैसे होता है? हुंडई जेन्युइन का ही। आप मार्केट में डील करते हो वैसे? नहीं नहीं, आपको एक दिक्कत। अच्छा, फिर मतलब ओरिजिनल मिलने वाला सामान है? आज हुंडई का मैं दिखाऊंगा आपको। ये दरवाजा क्यों लाया है? ये दरवाजा इसके लिए लाया है, आप एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी बताइए।
बहुत सारा पावर विंडो का ये जो मतलब ये सॉरी अपना मिरर का वगैरह ये जो कटिंग अच्छा, करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर हुंडई का पैनल आता है। अच्छा, अच्छा इसमें अच्छा, राइट और लेफ्ट दोनों लिखा रहता है। ओके अच्छा जूम ये चीज हो गया। आप डोर ट्रिम चेंज करेंगे तो बोस का लोगो भी आता है। ये टॉप एंड का ही ट्रिम लगाना। ओके ठीक है, ये बोस का आपका ट्रिम आ गया। फिर तो सॉफ्ट टच भी होगी इसके अंदर। ये सॉफ्ट टच भी इसके अंदर आ गया। ये हुंडई का जेन्युइन है पूरा। बड़ा गंदा हो रहा है यार। हां सॉफ्ट टच है यार। ठीक है। अच्छा पन्नी भी लगी है अंदर भाई। हाँ पन्नी भी लगी। भाई अगर किसी को कटिंग करानी हो वो यहाँ पे है नहीं क्या हिसाब? कटिंग करने के लिए नहीं ऑप्शन, एक आफ्टर मार्केट पैनल भी आता है। अच्छा। अगर वो चाहिए तो वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर ट्रिम चेंज करना है तो ट्रिम कर सकते। हमारे वहाँ तो सरदार जी लगा देते हैं कटिंग करके। यहाँ तो कटिंग होता है, यहाँ पे नहीं करते। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे भाई ऑप्शन ये मतलब मिल रहा है ट्रिम का। ये हुंडई का जेन्युइन आपको मिल जाएगा, बेस्ट प्राइस मिल जाएगा ना, बेस्ट प्राइस करके देंगे। वो तो आप ले लोगे, ये तो डाल दोगे नया बॉस लिखा हुआ लोगो ले लेना ना बॉस के, वो लगाते रहना। नहीं कोई से आते नहीं। चलो भाई ठीक है, तो DRL की बात कर लेते हैं। फ्रेम पड़ा हुआ है आपका, DRL भी ये आ गया। अच्छा क्या बात है, ये DRL जो अपना आगे ग्रिल में पार्ट लगाओ उसको हटा के ये लग जाता है, अपना DRL फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये DRL फिटिंग करने के लिए ये आपका फाइबर भी होना बहुत जरूरी है। फ्रेम, हाँ ये फ्रेम होता है। ठीक है, ये फ्रेम के अलावा अपन फिटिंग करेंगे। आपका तो ये फ्रेम लगेगा ही, फ्रेम लगने के बाद ही आपका DRL फिटिंग हो जाएगा। ठीक है ठीक है। फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये अपना रियर रिफ्लेक्टर, ये जो बैक साइड में खाली जगह है ना अपनी, यहाँ पे आपका ये फिटिंग हो जाएगा भाई। ये भी लगाया करो, इससे ना थोड़ी अच्छी हो जाती गाड़ी पीछे से ना, मतलब रिफ्लेक्टर टाइप बढ़िया हो जाता है, लाइट एक अच्छी हो जाती है ना। इनर हैंडल की इनर हैंडल की बात करेंगे तो इंटीरियर से आपका प्रॉपर इनर हैंडल भी आ जाएगा, सिल्वर कलर में जेन्युइन है, जेन्युइन आएगा। ठीक है भाई, शीशा साइड मिरर, ऑटो फोल्डिंग मिरर। भाई ऑटो फोल्डिंग लगाने के लिए वही ट्रिम लगाना पड़ेगा आपको, अगर स्विच लगाना है तो, बिना स्विच करे तो कुछ भी नहीं होता है ना। ठीक है भाई, जेन्युइन हुंडई दिखाना चाहिए तो दिखा देते हैं भाई लोग। अच्छा ऐसा होता है, ये मोरल का कंपोनेंट आ गया। और ये देखिए, ये कंपनी का आपका सॉकेट है। ओके बराबर, ये आपका निकल गया, ये आपका कंपनी का सॉकेट। ओके, ये प्लग एंड प्ले, लो भी टक करके आवाज आ गई, आवाज भी आ गई। ठीक है भाई, ये पेपर कोन में रहने वाला है एज इट इज। क्या होता है ये फ्रेम व्रेम सब आता है क्या? सब 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 इनबिल्ट ही आता है, ये प्रॉपरली हुंडई के लिए ही आता है। अच्छा हाँ ठीक है। एबक कोएक्सल की बात कर ले तो वो भी सेम टू सेम आने वाला है पीछे भी। अच्छा ये भी भाई, हाँ ये कोएक्सल आ गया, कोएक्सल में खाली एक रहेगा आपका ट्विटर इनबिल्ट रहेगा। ठीक है ओके। और ये भी आपको मैं दिखाऊंगा, ये भी पूरा प्रॉपर, ये आपका वायरिंग कॉलम हो गया। ओके, ये स्पीकर के अंदर एज इट इज। ठीक है, मोरल की बैजिंग भाई बीच। हाँ मोरल के बैज। बहुत सारे कस्टमर का ये होता है कि हमको वायर कहाँ पे कटिंग नहीं करनी, ये सब चीजें प्लग एंड प्ले रहेंगे जी बिल्कुल, कोई भी वायरिंग का हम कट छाट नहीं करेंगे। अभी सिर्फ मोरल के अंदर ही आना ऐसा फिटमेंट। हाँ मोरल के अंदर ही, वो भी क्रेटा के अंदर, क्रेटा के लिए। चलो भाई ठीक है, बढ़िया भाई, आपको दिखा दिया लाइव भी है और भी क्रेटा के अंदर ही दिखा दिया। उसकी भी वीडियो बनेगी, जल्द बनेगी, इन्फिनिटी प्राइमस तो भाई हमने इसमें लगा रखा है। हाँ इन्फिनिटी भी आप लगा सकते हैं, पता ही होगा सबको कैसे होता है ना। फिर बाद में ये सोनी ES भी है। क्या बात है भाई, ES को थोड़ा कम लोग पसंद कर रहे हैं, मोरल मोरल कर रहे हैं फिटिंग के साथ है, कपलर साथ में, कपलर के साथ है और फिटिंग भी अच्छा है। सही बात है भाई, ठीक है भाई। वैसे ES भी अच्छा है, ऐसे ये नहीं है ना बेकार, अच्छा कुछ नहीं है, बेसिक बढ़िया, उससे बढ़िया ES है ना। चलो भाई ठीक है, सब कुछ इसके अंदर हमारा सब कुछ हो चुका भाई, हुंडई का सब जेन्युइन रहने वाला है बिल्कुल। कुछ रहा तो नहीं है अपना, ये अच्छा ही दिखा दिया, नहीं हां सब दिखा दिया ना। तो टेल लाइट कहां गई अपनी, जो टेल लाइट आप कह रहे थे, टेल लाइट आने वाला है। अच्छा अगले वीडियो में तो मैं आपको दिखाई दूंगा, दिखा दोगे टेल लाइट आ जाएगा। चलो भाई टेल लाइट अगले महीने फिर बुलाना, ठीक है। तो भाई साइड प्रोफाइल में बात कर लेते हैं, साइड प्रोफाइल में सबसे पहले लगाया है अलॉय व्हील। अलॉय व्हील आपको बताऊंगा जी बिल्कुल, अलॉय व्हील अपना 48,000 में, जो भी कस्टमर बेस टू टॉप बनवाएंगे 48,000 में आपके अलॉय व्हील रहेंगे, ये आपका जेके का टायर रहेगा विद लोगो के साथ। ओके क्या बात है,
कैलिबर पेंट रहेगा साथ ये में? कैलिबर पेंट किया है। अच्छा हाँ, नहीं साथ में रहेगा नहीं रहेगा? नहीं, नहीं साथ में नहीं रहेगा। वैसे आप सारे रेडी करते हैं ना? हाँ रेडी ज्यादा मतलब ये करते हैं, मतलब एक स्पोर्ट लुक के लिए रेडी काफी अच्छा लगता है। चलो भाई ठीक है, ये अपना पेंट है या स्प्रे पेंट है? नहीं 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 ये प्रॉपरली पेंट, मैं आपको वही पिछली बार भी बोला था कि पेंट अपना इन हाउस ही है। ओके, तो अपन पेंट यहाँ पे ही करते हैं। हमें तो बार बार बोलना पड़ेगा ना, हर बंदा नया जुड़ रहा ना, अब वो बंदा कहेगा वो भैया पीछे वाली वीडियो कौन सी थी। अब जो भी कस्टमर बेस्ट टू टॉप बनवाएंगे 48,000 में अलॉय व्हील हम दे देंगे। ठीक है भाई, बढ़िया। ओके, मिरर की बात कर ले। अच्छा हमने वो दिखा दिया था टॉप मॉडल वाला मिरर इंडिकेटर के साथ। हाँ, तो नीचे 360 फिटिंग कर दिया है। ओके अच्छा, उसमें तो पड़ लैंप भी नहीं है, मैं तो वो दिखा रहा था। ठीक है भाई, इंडिकेटर आ जाता है साइड में, अगर मिरर आप लगाओगे तो भाई हम मिरर आप लगवाएंगे तो यहाँ पे वेंट आता है जी, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, ये क्या है, हैंडल लगा दिया क्या? कस्टमर का डिमांड था कि हैंडल क्रोम चाहिए था। अच्छा ठीक है, हुंडई का आपको जेन्युइन चाहिए सीधा हैंडल, वो भी अवेलेबल है। ओके हाँ, और हैंडल क्रोम भी आपको फिटिंग करना है तो ये भी अवेलेबल। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था वो रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है। हाँ रिप्लेसमेंट वाला, ये ऊपर से चिपकाने वाला पार्ट। ओके ठीक है, जैसे कस्टमर का डिमांड रहेगा वो हिसाब से हम करके देंगे आपको। ठीक है ठीक है, ये डोर वाइजर भी हुंडई जेन्युइन के ही आते हैं। क्या बात है, आप देख लेना भाई, ये फुटबॉल की निशान, फुटबॉल की निशान हुंडई जेन्युइन में ही आती है। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, यहाँ पे लोअर गार्नेस भी अपन फिटिंग कर सकते हैं। ओके ठीक है, अच्छा चिपकाने वाला पार्ट। हाँ ओके, तो लोअर गार्नेस भी आ जाता है। ठीक है ओके, साइड में फुल ये अपना साइड स्टेप भी आता है। अच्छा हाँ, साइड स्टेप भी लगवा सकते हैं। फुटरेस्ट हो गया। हाँ जी, फुटरेस्ट भी, वो भी फिटिंग हो जाएगा। ठीक है, साइड बीडिंग भी लग जाएगी। हाँ साइड बीडिंग में इधर प्रॉपर क्रोम आता है। ठीक है हाँ, बाकी मड फ्लैप वगैरह भी फिटिंग आप कर सकते हैं। ओके भाई ठीक है, अच्छा मड फ्लैप लग के आया हुआ है। ठीक है ठीक है, पीछे बात कर ले तो। अच्छा ऊपर रूफ रेल भी तो है, कुछ रूफ रेल लगा दिया हमने। आज तो नहीं हिल रही? नहीं, पिछली बार हिल रही थी। नहीं हिल रही थी पिछली बार में। आपका शार्फिन एंटीना भी आ गया। क्या बात है भाई, भाई ये लगाया करो तभी तो टॉप मॉडल लगेगी बाहर से। थोड़ी बहुत आइटम ये रह जाती है पीछे टेल लाइट की। हाँ। बाकी तो भैया हो जाता है। अगर रियर वाइपर की क्या स्टोरी है? रियर वाइपर भी अगर कस्टमर का डिमांड रहेगा तो हम वो भी फिटिंग करके देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, उसमें क्या क्या पार्ट आप दोगे? रियर वाइपर में आपका पीछे का बैक ग्लास आता है, डिफॉगर वाली ग्लास आती है। ओके। बाद में आपका मोटर भी आ गया जी, और वायरिंग का लूम भी आ गया। ठीक है ठीक है, और ये अपना मतलब आप असेंबली, असेंबली पूरी। हाँ। हाँ, वो आप लगा सकते हैं। चलो भाई ठीक है, मतलब हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगी। मिल जाएगी, वो भी जेन्युइन है। जेन्युइन। ठीक है, मारुति की? नहीं नहीं, हुंडई की। ठीक है भाई ठीक है, चेक कर रहा था आपको मैं। तो भाई कहाँ से बात करें? इंटीरियर से। इंटीरियर, इंटीरियर से बात करेंगे। ओपन करिए डोर, भारी है क्या लगाया कुछ? लाइट, इतना भारी दरवाजा क्या कर दिया? ये डैम्पिंग कर दिया है, आप देख सकते हैं इफेक्ट, देखिए टाइट। हाँ ये पूरा डैम्पिंग है। ठीक है, इसमें डैम्पिंग नहीं है, देखिए। ये तो बज रहा है, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। आसमान का फर्क है, 19-20 का फर्क नहीं है। तो ये स्पीकर का आउटपुट भी अच्छा कर देता है, आपका नॉइस कैंसलेशन भी इसके अंदर बहुत हो जाता है। चलो भाई ठीक है, डोर चारों दरवाजे में डैम्पिंग, चारों डोर में हमने डैम्पिंग किया है। 2.2 mm का नाका नीचे का, नाका नीचे, जैसे वो सेम गाड़ी में ब्लैक कलर का दिखाया था, ब्लैक कलर का वही आएगा। ओके ठीक है, डोर ट्रिम आपको हमने दिखा दिया था, इनर हैंडल दिखा दिया था। भाई बेस मॉडल लोगे तो भाई ये टूटी वाले शीशे आएंगे यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट करने के लिए, अगर आप टॉप मॉडल वाले शीशे लगाओगे तो ट्विटर सैच भी आ जाते हैं। अगर ये चेंज करेंगे तभी तो, ऐसे तो फिर शीशा कैसे लाओगे फिर। ठीक है भाई, तो भाई नीचे कर दिए फ्लोरिंग नॉर्मल वाली, प्रॉपर फ्लोरिंग। ठीक है भाई, ये भी भाई मैंने देखी थी स्नग फिट वाली रहने वाली है। हाँ। मैट के नीचे पर आप चेकआउट कर सकते हो भाई, नीट एंड क्लीन काम रहने वाला है यहाँ पर। तो भाई दोबारा देख लो यार, वो कैमरा थोड़ा वाइट था, तो भाई ऐसा कुछ यहाँ रहने वाला, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन वर्क। ओए आज तो लगा दे टॉप मॉडल वाले, टॉप वाले SX के सीट कवर आप देख सकते हैं, परफो आइस ग्रे जी विद डार्क ग्रे। क्या बात है भाई, ठीक है। और ये आपका ऑरेंज का पाइपिंग, पाइपिंग रहने वाला है। ठीक है, ये जो SX में जो आते हैं वही सेट करो आप, फिटिंग और फिनिशिंग एक बार देखो भाई, एक नंबर रहने वाली है। कहीं से भी वट या रिंकल कुछ भी सिलवाट कुछ नहीं रहने वाला भाई, मतलब एक ही है, वो थोड़ा अलग अलग बताया मैंने। ठीक है, बीच में डॉटेड
और भाई फ्रंट में बात करेंगे तो बॉक्स जैसे टॉप मॉडल में आता है वैसे ही रहने वाला है। साइड में एयर बैग की यहाँ पे कटिंग है, कटिंग है, एयर बैग फ्रेंडली है, पूरे सीट कवर एयर बैग फ्रेंडली, ठीक है। क्या बात है, करो करो पीछे करो, ऐसे, क्या बात है भाई, ठीक है। जैसे भाई टॉप मॉडल में आता है ऊपर पाइपिंग नीचे पाइपिंग नहीं आती, वैसे ही भैया ने डिजाइन टॉप लेदर के, ठीक है। आर्म रेस्ट में कवर नहीं लगाया, क्या हो गया? कस्टमर बोले नहीं करेंगे, फिर स्टीयरिंग और ये अच्छा बाद में करेंगे, ठीक है। पीछे की फिटमेंट दिखा दें एक बार, फिर चलते हैं स्टीयरिंग की तरफ। बैक साइड का फिटिंग भी देख सकते हैं, क्या बात है भाई, बढ़िया। अच्छा जी, प्रॉपर फिटिंग। हाँ मैं अभी खुलवा के दिखा ही रहा था, मैं कभी कार्ड ना दिया हो ना पीछे भाई, कई बंदे कार्ड देते हैं पीछे का प्लास्टिक, बताओ ओरिजिनल चीज मत खराब किया करो यार। नहीं नहीं प्रॉपर फिटिंग, क्या बात है। आर्मरेस्ट की भी भाई एक नंबर फिटिंग आई हुई है प्रॉपर, ठीक है। और एम्बियन लाइट यहाँ पे इंस्टॉल करी हुई है, K4 K4 जी, 18 पीस वाला। अच्छा 18 पीस वाला, 18 पीस है। एक यहाँ हो गया, हाँ एक यहाँ हो गया, आपका इनर में आ गया और एक बॉटल होल्डर आपका, ठीक है। और नीचे फ्लोर में हाँ जल रहा है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो भाई स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं, तो स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिए क्या यहाँ पे आपने? हाँ स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिए, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है भाई। स्टीयरिंग आप देख सकते हो, स्टीयरिंग को चेंज कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल एज इट इज़ यहाँ पे लग जाते हैं। अगर किसी को क्रूज कंट्रोल लगवाने हो वो भी हमारे पास ऑप्शन है क्रूज कंट्रोल लगवाने का। कस्टमर ने नहीं लगवाया, कस्टमर ने सिर्फ भाई अपना स्टीयरिंग कंट्रोल ही लगवा दिया, वो कह रहे इसी की नीड है, इसकी नीड नहीं है, हमने चलानी लोकल है कर्नाटका के अंदर, ठीक है ना। वो सिर्फ मॉडिफिकेशन करने के लिए आ गए थे वैभव भाई के पास, वैसे आना नहीं था उन्होंने, नहीं आना था, आना था। चलो भाई ठीक है भाई, ये कौन से डब्बे ले आए, अभी तो दिखाए हमने, ये आपका वही है ब्लू पंक का। अच्छा हाँ ब्लू पंक का, ये 232 GB है, 232 ठीक है, हाँ ओके ओके। और ये आपका आ गया ब्लू पंक का जमाई का 990 12.33 4 वोल्ट प्री एम्प आउटपुट इसके अंदर है, ओके, मतलब एक मिनी फायर मिनी एम्पलीफायर इसके अंदर है। अच्छा ठीक है, अच्छा इस वाले सेट में जो 360 का कैमरा है, हाँ इसके अंदर भी आपको 360 का, अच्छा इसमें भी 360 है, अच्छा इसमें 4 वो है ना वोल्ट प्री आउट वाला, हाँ 4 वोल्ट प्री आउट है, मतलब एक मिनी एम्पलीफायर इनके अंदर है। चलो भाई ठीक है भैया, मतलब एक जबरदस्त आपको साउंड का इफेक्ट इनके अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर बेसिक किसी को फिटिंग करना है तो आप ये भी फिटिंग कर सकते हैं, हाँ अगर आपको थोड़ा हाई वोल्ट चाहिए तो आप ये फिटिंग कर सकते हैं। अच्छा 464 जमाई का 990, ठीक है भाई। भाई ऊपर तो देख ही लिया था भाई, ऊपर डब्बा नीचे स्क्रीन है भाई, ऐसा लग रहा टॉप मॉडल वाली स्क्रीन लगा दी, अगर बंद करोगे ना स्क्रीन ऐसी लगेगा टॉप मॉडल वाली स्क्रीन है। फिटिंग और फिनिशिंग एक बार देख सकते हैं, प्रॉपर जीरो फिटिंग, क्या बात है, स्नग फिट रहने वाली है, कहीं से भी गैप नहीं रहने वाला, जीरो टू जीरो फिटिंग यहाँ पे रहने वाली है। ये नाम कैसा आ रहा है मेरा यहाँ पे, अच्छा मैंने वो किया था कहने पेयर। तो भाई एम्बिएंट लाइट देखो भाई, पूरी वहां से स्टार्ट करी और यहाँ एंड कर दी भाई पूरी। कई बंदे भाई वहां से कट कूट कर देते हैं, वो हिसाब नहीं है, प्रॉपर वाला हिसाब है यहाँ पे, कटिंग वटिंग वाला नहीं, जितनी है उतनी डालो है, ठीक है भाई बढ़िया था। एक बार 360 दिखा दें इसके अंदर, आप दिखा सकते हो? अच्छा दिखाऊं क्या, बोल ले वो करते शीशा बंद, भाई शीशा बंद करके तो नॉइस ही खत्म होगी बार की है। तो भाई एक बार करते हैं राइट का इंडिकेटर, ओ भाई एकदम मतलब इंडिकेटर दबा के एकदम आ गया, इसको पता था क्या मैं इधर वाला दबाना है, तो भाई ये वाला बंद कर दिया। कैलिब्रेशन प्रॉपर हुआ है, ये लो ये सब कैलिब्रेशन के ऊपर ही आपका। अच्छा हाँ क्या बात है भाई, टायर आप देख सकते हो, गाड़ी स्टार्ट करूंगा, हाँ स्टार्ट कर दो, तो भाई गाड़ी होगी स्टार्ट, टायर आप देख सकते हो लेफ्ट का, लेफ्ट काट दिया, और एक बार भाई राइट का करता हूँ इंडिकेटर, तो भाई राइट काटता राइट, ये लो फिटिंग देख रहे हो भाई, कैलिब्रेशन प्रॉपरली होना चाहिए, वैभव भैया की बातचीत देख रहे हो भैया, ओके रिपोर्ट आने वाली है यहाँ पे। तो भाई ठीक है, तो ये अपना 12.33 डिस्प्ले थी और 13 इंची की वैसा पूरा यूनिट होता है ना, ऐसी होता है ना, हाँ। चलो भाई ठीक है, बढ़िया हो गया काम, और क्या कह रहे थे आप? स्पीकर का आपको आउटपुट सुनना है, अच्छा हाँ ठीक है, वो भैया को अभी बोलता हूँ पेयर कर देंगे कुणाल भाई को। तो भाई आई ऊपर देख लो, सनग्लास होल्डर है, Hyundai Genuine का आपका सनग्लास होल्डर, आज तो लाइट जली रही है ऐसे, ये है भाई प्रॉपर फिटिंग है, प्रॉपर फिटिंग, कहीं से भी गैप नहीं रहने वाला, देखिए आप भाई ओरिजिनल में यही है, आफ्टर मार्केट लोगे तो इतना गैप आता है, और किसी की वीडियो में देखो इतना लटक रहा था भाई, ये तो आपका प्रॉपर फिटिंग, वो कोई वीडियो दिखाने की चीज है। लो जी भाई एक नंबर, वाइट करनी थी यार लाइटें, लगवा देंगे
अब तो पैक हो गया, अब क्या लगना और क्या है? इसमें क्या है, दो बल्ब फिटिंग ही बात कर देंगे अब तो भैया होगी फिटिंग। छोटा सा माइक भैया को कहा था यहाँ प्लेस कर दो, ओ बता नहीं दिया, छोड़ो छोड़ो। तो भैया एक बार करते हैं म्यूजिक प्ले, तो एक बार भाई करते हैं पेयर। तो भाई हमारा फोन यहाँ पे पेयर हो चुका है, तो कुणाल भाई पीछे बैठे थे, कुणाल भाई एक बार गाना प्ले कर देना, कैसा साउंड आ रहा है हम भी तो सुने एक बार। वाह तो खोलो यार, बढ़िया आ रहा है आउटपुट, एकदम बढ़िया, मजेदार आ रहा है ना ये आपको, ये जो म्यूजिक का आपको मतलब हेडफोन में या मतलब इसके अंदर ही आपको मतलब फोन में इतना मजा नहीं आ रहा भाई, पंजाबी गाने चलाओगे तब मजा आएगा, आएगा मजा पर आपको चला लो कोई बात नहीं। आपको ये फील लेना है जी, तो आपको ये प्लेयर फिटिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल वो यहाँ पर आना ही पड़ेगा, उसके यहाँ पे आना पड़ेगा। 4 वोल्ट प्री आउटपुट इसके अंदर है। क्या है राज, बार बार यही बोली जा रहे हो पाजी, इसीलिए तो पूरी दुनिया ये हो रही है कि आप हमें इसके अंदर ये जो 232 है, ये मुझे बार बार कंफ्यूजन के लिए बोलना पड़ रहा है कि 232 में ये फीचर्स नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, ये आप 464 लेंगे तो इसके अंदर ही 4 वोल्ट प्री आउटपुट, मतलब इसके अंदर एक मिनी एम्पलीफायर है। मैं भी भाई 3 बार में समझाऊं तो ये इसी प्लेयर के अंदर दिया है 464 के अंदर, ठीक है। हाँ, मतलब 464 लेना पड़ेगा, वो ऐसा हमें मिलेगा प्री आउट वाला, मतलब ये आपका ये 4 वोल्ट प्री आउट जी या हाई वोल्ट ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। हाँ ओके, बस ये इसके अंदर है, ठीक है। भाई एंड्रॉइड लेने के लिए ये वाला, जैसे हम जमैका सोच रहे हैं, जमैका आपको लेने के लिए आपको प्री बुकिंग करना पड़ेगा, लिमिटेड स्टॉक है, आपको ये बुकिंग करके आना पड़ेगा 464 का जो भी रहेगा। आज कर्नाटक से भी सर आए तो उन्होंने मुझे 1 वीक पहले बोला था, ओके हाँ, फिर ये सैटरडे को यहाँ तक आए थे और सुबह आए थे, शाम तक आपकी गाड़ी रेडी, ओके। हाँ। वैसे भाई अपने पास दोनों मिलेंगे, 464 भी मिलेगा और 464 भी मिलेगा और 232 भी मिलेगा। अगर किसी को अगर नहीं चाहिए मतलब ज्यादा बेस या नॉर्मली रखना है तो आप ये फिटिंग 232, हाँ, अगर आपको अच्छा बेस और कुछ चाहिए तो आप फिर 464 का 4 वोल्ट चलो भाई ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करनी, तो मिलते हैं भाई कस्टमर के साथ। हेलो भैया, हाय, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया बढ़िया। आपका नाम? भरत है। कहाँ से आए हो? हम कर्नाटक से, कर्नाटक से इतनी दूर? हाँ। 700 किलोमीटर तो होगा कम से कम, 700 किलोमीटर ही है, 700 किलोमीटर, क्या बात है, मतलब 700 किलोमीटर दूर से आ गए वैभव भाई के पास पुणे हैं, क्या बात है। तो आप इनको मिले कैसे थे पहले ये बताइए? तुम्हारा यूट्यूब चैनल से ही। अच्छा क्या बात है, हिंदी बोल लेते हो ना? हिंदी बोल पाते हैं अच्छे से। अच्छा ठीक है, और काम कैसा लगा गाड़ी के अंदर? काम तो बहुत बढ़िया कर दिया सर, सर को तो ज़्यादा पेशेंस है, स्टाफ को भी बहुत अच्छा है स्टाफ, वो भी बहुत बहुत देर हो गया तो फिर भी काम कर रहे हैं, तो मेरे को लग नहीं रहा भैया हिंदी बोलते हैं ना, थोड़ा अटक अटक के बोल रहे हैं। चलो भाई ठीक है, बढ़िया यार अपने लिए तो, और काम बढ़िया हो गया है? कोई दिक्कत परेशानी आई हो कहीं पे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। आप कुछ बोलो, मैं ये कह रहा हूँ आज सर आए हैं कर्नाटका से जी, मतलब 700 किलोमीटर से, स्पेशली मतलब उन्होंने मुझे 1 वीक पहले बोला था कि हमको एक जमैका का 464 ही प्लेयर फिटिंग करना है, ओके हाँ, तो हमारा 1 वीक से ही मतलब ये बात चालू थी, तो सर ने आज सैटरडे के लिए हमको बोल दिया और आज हमने फिटिंग भी कर दिया एकदम बढ़िया सर के लिए, ओके हाँ ठीक है। तो भैया सेटिस्फाइड वाला काम हो गया? बहुत ठीक, एकदम सेटिस्फाइड, सैटिस्फाइड बहुत, कोई दिक्कत परेशानी कहीं पे नहीं, भी नहीं, नहीं इनका स्टाफ कोऑपरेट पूरा, स्टाफ तो सर ही जैसा ही है। अच्छा
ठीक है, बढ़िया ना बंदे, बहुत बढ़िया, खिलाते पिलाते हैं पूरा सेवा करते हैं सभी, यही करनी चाहिए तो देखा जाए दूर वालों बंदों की, तो खासकर आइए उनकी सब सेवा करते हैं। चलो भाई ठीक है, गाड़ी में ओवरऑल काम बढ़िया हो गया, एक छोटी सी रेटिंग बता दो, 5 में से कितनी देना चाहोगे? 5 में 5 पूरे, काटना कूटना नहीं है कुछ? नहीं नहीं, काटने वाला है ही नहीं ना काम। और भी बंदों को रेकमेंड करोगे आइए काम कराइए यहाँ पे? या आई वुड रेकमेंड एवरीवन टू कम हियर एंड ठीक है कार मॉडिफाई। अपनी लैंग्वेज में बोलना एक बार, बोल दो कोई दिक्कत नहीं, बोलो। नहीं ए, बोलो बोलो यार, कन्नड़ा में बोल दीजिए, बोलो यार। अगर कार क्रेटा मॉडिफाई ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುಣೆ ಬಸ್। तो भैया ने इतना सारा बोला था, वो इतने में खत्म हो गया। चलो भाई ठीक है, बढ़िया एक्सपीरियंस, एक नंबर हो गया। तो वैभव भैया आपके पास आ जाते हैं, एक बार थोड़ा सा दोबारा बोल देते हैं, भैया आपके पास दोबारा आ जाता हूँ, अभी रुक जाओ, आप अभी नहीं बोलना हमने एड्रेस, अभी रुक जाओ। तो भैया आपने जितना भी पैसा लगाया गाड़ी के अंदर पूरा वर्थ लगा? हाँ वर्थ है। कहीं ये तो नहीं लगा पैसा ज्यादा दे दिया काम कम कर दिया? नहीं नहीं वैसा नहीं है, काम तो अच्छा है ना। चलो ठीक है, चल जाता ठीक है। वैभव भैया आपके पास दोबारा आ जाता हूँ, तो बताइए अपना एड्रेस। अपना एड्रेस है पुणे में वैभव कार सर्विस, खराड़ी पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, हाँ। बताइए कॉन्टेक्ट नंबर। 8698662929। एक बार रिपीट कर दो, 8698662929। ठीक है, कर दे एंडिंग एकदम, बहुत लंबी होगी वीडियो है ना। पहली वीडियो लंबी है। चलो भाई करते हैं फिर वीडियो एंड, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके टिल देन, बाय, चंगा जी।